हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रागिनी बानाइत फ्रॉम भाग्यवेद। आज हम देखेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 8, अब हम दोस्त थे। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अब हम दोस्त थे। पेज नंबर है 66। जल्दी से अपनी अपनी किताबें निकालो और पेज नंबर 66 निकालो। बहुत ही अच्छा लेसन है। देखो कृष्ण सुदामा का क्या रिश्ता था, रिश्ता राम सुग्रीव का कैसा, कर्ण और सुयोधन को जानो, इस रिश्ते का नाम पहचानो। अभी यहाँ पे जितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं, ये सारे किन के उदाहरण हैं, दोस्ती के। कृष्ण सुदामा कौन थे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जो हमने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी है, अपने दादी से सुनी होगी, दादा से सुनी होगी, मम्मी पापा से सुनी होगी कृष्ण और सुदामा की स्टोरी। उसके बाद राम और सुग्रीव जो थे वो कौन थे, वो भी क्या थे, दोस्त थे। ऐसी बहुत सारे दोस्तों की स्टोरी होती है, वैसे ही एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे हमें आज सीखनी है। तो लेट्स गो। एक बार की बात है, हंगरी के घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। एक बहुत ही बड़ा सा जंगल है और जंगल में एक हाथी है, और हाथी जो है उसे बहुत ही प्यास लगी थी, तो वो पानी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। बहुत ही इधर उधर भटक रहा था वो, और उसके बाद उसे एक झील दिखाई दी। वह झील में उतर गया और पानी पीने लगा। झील के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचा गया। वह उसमें नहाने और खेलने लगा। जैसे ही झील को उसने देखा तो झील के पानी को देखकर वो बहुत ही सुकून आ गया उसको। उसने पानी पिया, और पानी किसे पसंद नहीं है, पानी तो सबको पसंद है, छोटे को भी पसंद होता है, बड़े को भी पसंद होता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छुट्टियों में वाटर पार्क में जाते हैं खेलने, पानी में खेलने के लिए। तो वैसे ही पानी देखते ही वो उस झील में उतर गया और ठंडे पानी देख के पानी, बहुत सारा पानी पी लिया, और उसके बाद वो क्या करने लगा, उसमें खेलने लगा, उसमें नहा भी लिया और खेलने भी लगा। उस झील में जहरीले डार्ट मेंढक थे। अभी जो जहरीले मेंढक है उसका नाम है डार्ट मेंढक। वो सारे जहरीले मेंढक उस झील में रहते थे। उनमें से एक मेंढक कूद कर ऊपर आया और हाथी के कान के पास जाकर बोला, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। अभी देखो छोटा सा मेंढक है, उसने हाथी को देखा तो उसे लगा कितना अच्छा प्यारा सा एनिमल है ये, तो क्यों ना मैं इसका दोस्त हो जाऊँ। इसीलिए उसने उसके धीरे से उसके ऊपर चढ़ा और उसके कान में क्या कहा उसने, कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो अभी देखो हाथी बहुत ही बड़ा एनिमल है और मेंढक बहुत ही छोटा एनिमल है। तो हाथी ने उत्तर दिया, ना बाबा ना, हम तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम खतरनाक और जहरीले हो, न जाने कब तुम मुझे ही काट लो। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है। अभी देखो हाथी ने जैसे ही मेंढक को देखा तो डर गया, क्योंकि ये जो डार्ट मेंढक है वो बहुत ही जहरीली है। इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं तुमसे दोस्ती करूँ और कभी तुम्हें गुस्सा आ जाए और तुमने अगर मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी बाबा, तुम मुझसे दूर ही रहो। इसके बाद हाथी झील से बाहर निकल गया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। अभी देखो किसी को अगर हम बोलेंगे कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, और किसी ने अगर हमसे नहीं कहा कि सॉरी मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, तो हमें भी बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, हम उदास हो जाएंगे। वैसे ही ये जो हाथी है वो उदास हो गया। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था पर कर नहीं पाया। वह इस बात को भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। अभी उसके जो साथी थे, यानी उसके फ्रेंड कौन थे, उसके ही मेंढक, दूसरे मेंढक थे वो फ्रेंड थे। तो उनसे कुछ अलग करने के लिए उसने क्या किया था, हाथी को अपना फ्रेंड बनाने का सोचा था, पर हाथी ने नहीं बोला तो उदास हो गया। फिर से क्या करने लगा, अपने पुराने दोस्तों से वो खेलने लगा। हाथी को झील पसंद आ गई।
उसमें बहुत पानी था जिसमें वह आराम से तो नहीं पर ध्यान से खेल सकता था। वह अगले दिन भी उसी तरह से झील में पानी पीने और नहाने पहुंच गया। अभी पास में ही झील है, पानी भी बहुत ठंडा है, अच्छा है, तो इसीलिए उसने दूसरे दिन भी क्या किया, उसी टाइम पे वो आ गया, पानी पिया और पानी पीने के बाद फिर से उसमें नहाया और खेलने लगा। उसे मालूम नहीं था कि झील में सिर्फ जहरीले मेंढक ही नहीं थे, कहीं दूर घड़ियाल भी रहते थे। अभी उस हाथी को पता नहीं था कि ये न सिर्फ उसमें मेंढक ही थे, उसमें क्या है, जहरीले दूसरे घड़ियाल भी थे। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ जो होते हैं, वो मगरमच्छ के टाइप के ही दूसरे होते हैं, उनकी जो आगे की साइड होती है वो थोड़ी अलग होती है, उनको हम घड़ियाल कहते हैं, उनकी ही जात के होते हैं वो। एक घड़ियाल ने उसे नहाते देख लिया, बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी भर आया, वह गुपचुप पानी के अंदर ही अंदर हाथी के पास पहुंच गया। और जैसे ही हाथी उस पानी में आ गया और उसने देखा, वहाँ पे बहुत सारे घड़ियाल भी थे, तो एक घड़ियाल ने हाथी को देख लिया, और अगर कोई शिकार अगर हमारे सामने आ जाए तो क्यों छोड़ेंगे उसे, इसलिए वो घड़ियाल पानी के नीचे चला गया और नीचे से धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो हाथी को खा जाना चाहता था। उस समय मेंढक आसपास ही खेल रहा था, क्योंकि वो हाथी से दोस्ती करना चाहता था। अभी देखो, किसी ने अगर सोच लिया कि चलो हम इनसे दोस्ती करेंगे, तो वो उनके आसपास ही रहता है कि चलो आज नहीं तो कल तो हाँ बोलेंगे वो दोस्ती के लिए, तो वैसे ही वो मेंढक उसके आसपास ही भटक रहा था। तभी उसने देखा कि हाथी के सिर पर खतरा मंडरा रहा है, कि एक मेंढक क्या कर रहा है, हाथी को खाने के लिए, एक घड़ियाल हाथी को खाने के लिए आ रहा है। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचा और बोला, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। अभी जैसे ही घड़ियाल धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचने लगा, तो मेंढक जो है वो मेंढक उसके सामने आ गया घड़ियाल के, और घड़ियाल को बोल दिया, अगर तुम मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को कुछ भी करोगे तो तुम याद रखो कि तुम जिंदा नहीं रहोगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे फ्रेंड के अगर कोई, किसी ने कुछ भी चुरा लिया, कुछ उसके साथ झगड़ा कर लिया, तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते, ए मेरे दोस्त से दूर रहना, मेरे दोस्त के लिए बिल्कुल तकलीफ नहीं देना, उसको कुछ भी नहीं बोलना, ऐसे बोलते, नहीं तो देख लेना मैं बहुत डेंजर हूँ, ऐसे करते हो ना तुम भी। वैसे ही इसने कर किया और उसको बोला, अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया, अगर तुम खुद की सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर ही रहना भाई, नहीं तो वो क्या था, डार्ट मेंढक था, यानी डार्ट मेंढक मतलब डेंजरस, अगर उन्होंने काट लिया तो उसका जहर पूरे शरीर में घुल जाता है और आदमी मर जाता है। मैं और मेरे साथी तुम्हारी कोमल खाल को काट लेंगे और थोड़ी देर में ही तुम मर जाओगे। डार्ट मेंढक ने अभी क्या कहा, देखो कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं और मेरे साथी मिलकर तुम्हारी खाल खींच डालेंगे, तुम्हें बहुत काटेंगे और तुम यहाँ पे मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ कभी आँख उठाकर भी मत देखना। घड़ियाल को डार्ट मेंढकों के जहर से डर लगता था, इसीलिए वह घबरा कर हाथी को छोड़कर दूर चला गया। अभी हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया, अपनी सूंड पर उसे उठाकर बोला, अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र। अभी जैसे ही घड़ियाल मारने आ रहा था हाथी को, उसने देखा हाथी ने कि ये मुझे मारने आ रहा है, पर मेंढक ने क्या किया, उसे भगा दिया। तो जो हाथी है उसे बहुत ही अच्छा लगा कि इसने मेरी मदद की है, तो वह उससे बोला कि बहुत ही धन्यवाद, तुमने आज मेरी जान बचा ली और आज से तुम और मैं क्या हो गए, दोस्त हो गए, धन्यवाद मेरे दोस्त और मेरे प्यारे मित्र, ऐसा हाथी ने कहा। इस तरह हाथी और जो मेंढक है वो दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए, बहुत ही अच्छे और घने दोस्त बन गए दोनों। इस तरह हमारा ये लेसन नंबर 8 ख़त्म हो जाता है बच्चों। ओके बाय।